एशिया कप की ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ से गई। कौमी क्रिकेट टीम की शिकस्त रमीज राजा के पल्ले पड़ गई। चेयरमैन पीसीबी का ओहदा भी खतरे में पड़ गया। एशिया कप फाइनल में श्रीलंका के हाथों से शिकस्त के बाद पंजाब असेंबली में चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा को ओहदे से हटाने के मुतालबे की करारदाद जमा करवा दी गई। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन रमीज राजा को ओहदे से हटाने के लिए करारदाद मुस्लिम लीग नून की रुकन की जानिब से जमा करवाई गई, जिसके मतन में कहा गया है कि रमीज राजा पीसीबी को चलाने के काबिल नहीं रहे। कौमी क्रिकेट टीम की एशिया कप में हैरान कुन शिकस्त से हर पाकिस्तानी दिल बर्दाश्ता है। कौमी क्रिकेट टीम में हिकमत अमली, बेहतर ट्रेनिंग और मैनेजमेंट का शदीद फुकदान है, लिहाजा चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को उनके ओहदे से हटाया जाए। चेयरमैन पीसीबी के ओहदे के खिलाफ करारदाद जमा होने पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में आगाह करें।